हेलो नमस्ते और गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग। मेरा नाम है सौम्य शर्मा, आप देख रहे हैं द ड्राइंग हाउस और हम आज बैठे हैं ITM देहरादून में। जैसा कि ड्राइंग हाउस का हमेशा से मेन एम रहा है कि यंगस्टर्स को, नई जनरेशन को कॉमिक बुक्स का एक्सपोजर मिल सके, उनको पता लग सके कि इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या है, स्पेशली आर्ट स्टूडेंट्स को। और इसी के चलते आज हमारा पहला कॉन्ट्रीब्यूशन जिसके लिए वीडियो बनाई जा रही है, आज हम ITM देहरादून को गिफ्ट कर रहे हैं द कंप्लीट पैकेज ऑफ अमर चित्र कथा द माइथोलॉजिकल कलेक्शन। ये मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, लेकिन हमने इसको खरीदा है देहरादून में बुक वर्ल्ड से। जिनको बुक वर्ल्ड के बारे में नहीं पता होगा तो एक लिंक हम डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल रहे हैं, आप जरूर देखिएगा। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक शॉप्स हेयर इन देहरादून, जो कि अच्छी ब्रांड्स का कलेक्शन रखती है, और ये पूरा पैकेज हमें बुक वर्ल्ड से मिला है। और ये अब हमारे ITM देहरादून की लाइब्रेरी में इसे रखा जाएगा, और ये स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली आर्ट स्टूडेंट्स के लिए, एनिमेशन स्टूडेंट्स के लिए, BFA स्टूडेंट्स के लिए, अब से हमारी कोशिश होगी कि ये बुक्स का कलेक्शन, कॉमिक बुक्स और ग्राफिक नॉवल्स का कलेक्शन भी हमारी लाइब्रेरी में धीमे धीमे बढ़ता चला जाए। अमर चित्रकथा से इसकी शुरुआत की जा रही है, आइए चलते हैं। हम ये कलेक्शन देने वाले हैं हमारे ऑनरेबल चेयरमैन सर को, और उनके जरिए लाइब्रेरी तक ये पहुंचाया जाएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन चेयरमैन सर से मिलने की एक्साइटमेंट में हम यही भूल गए कि आज चेयरमैन सर अपने कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में बिजी थे, जिसकी वजह से हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ा। One eternity later. And finally, हमें चेयरमैन सर से मिलने का समय मिल गया। Small contribution. Thank you. In the ITM library, the comic books collection for the art students, animation students, sir. Okay, Amar Chitrakatha, one of the biggest brands in India. Oh, that's so nice. Thank you. Thank you, words. मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि कोई HOD इतना ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ अपने डिपार्टमेंट को एक हाइट्स में पहुँचाने के लिए अपनी पूरी मेहनत और लगन दिखाता है। और उन्होंने वहाँ से शुरुआत करी, आपने जो इसका बेस है, एनिमेशन का बेस 2D लाइन से होता है। बच्चा सबसे पहले स्केचिंग सीखता है, हमारे फर्स्ट ईयर में सबसे पहले स्टूडेंट्स स्केचिंग, आर्ट, ड्राइंग और 2D में परफेक्शन पाते हैं, वही उनका बेस हो जाता है। तो मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ सौम्या सर को कि वो इतना पैशनेटली अपने डिपार्टमेंट को एक न्यू हाइट्स की तरफ ले जा रहे हैं। और मुझे याद है जब वो शुरुआत में यहाँ पे आए थे 2013 में, तब से लेके वही एनर्जी मैं अभी भी देख रहा हूँ उनके अंदर। और थैंक्स कि आपने आज वही पुरानी चीज़ें फिर से यहाँ पे एक लाइब्रेरी को आपने यहाँ पे डोनेट करी हैं बुक्स, तो इसका फ़ायदा पूरे स्टूडेंट्स को मिलेगा और आपके डिपार्टमेंट को मिलेगा। बच्चों को जब तक एक्सपोज़र नहीं मिलेगा, जो उनके सीनियर्स हैं उनके थ्रू, या जो इस इंडस्ट्री में जिन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा है, एक मुकाम, एक उन्होंने पहचान बना रखी है, जब तक उनके साथ इंट्रैक्शन नहीं होगा, उनकी वर्कशॉप्स बच्चे अटेंड नहीं करेंगे, तब तक उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो इस इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हैं जिसे वो पा सकते हैं, या उसके लिए वो कैसे तैयार हो सकते हैं। तो कॉलेज का तो ये हमेशा से ये एक काम रहा है कि सिलेबस के साथ साथ इंडस्ट्रियल एक्सपोज़र भी उन्हें देते रहना है, ताकि उन्हें रियल लाइफ इसके एप्लीकेशन जो हैं उन्हें पता चलते रहें बच्चों को, कि जो हम ये सीख रहे हैं ये कहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा, ताकि वो अपना करियर और अच्छा से संवार सकें और अच्छा कर सकें। तो ऑफ़ कोर्स हम तो ओपन हैं
कि यहाँ पे वर्कशॉप्स होती रहें, और हम लोग चाहेंगे भी कि इंडस्ट्री के धुरंधर लोग, माने हुए लोग यहाँ पे आएँ हमारे कॉलेजेस में और बच्चों से इंटरेक्शन करें, एक वर्कशॉप करें। चेयरमैन सर से मिले ग्रीन फ्लैग के बाद हम सीधे पहुँचे लाइब्रेरी, जहाँ पर हमें मिली HOD मैम लाइब्रेरी साइंस, जिनको हमने अमर चित्र कथा दी। The very first contribution of the drawing house for ITM Dehradun, अमर चित्र कथा का ये अमेजिंग माइथोलॉजी कलेक्शन, जिसमें ऑलमोस्ट 50-100 कॉमिक बुक्स हैं, और प्रयास ये है कि आर्ट स्टूडेंट्स के लिए ये जानना जरूरी है कि एनिमेशन सिर्फ सॉफ्टवेयर में नहीं है बल्कि ट्रेडिशनल मीडियम में भी है, और ये भी एक इंडस्ट्री है जिसमें आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। सो कॉमिक बुक्स भी अभी भी अवेलेबल है मार्केट में, वो भी आती है, ये हम ITM स्टूडेंट्स को बताने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर लाइब्रेरी लाया गया एनिमेशन के कुछ स्टूडेंट्स को, और दिखाया गया वो स्पेसिफिक सेक्शन जहाँ पे अब से लाइब्रेरी में कॉमिक बुक कलेक्शन लगातार बढ़ाया जाएगा। अमर चित्र कथा कॉमिक बुक्स, जो कि आपने एंटीशो नाम सुना होगा, और लेकिन आई हैव अ डाउट कि आप जानते हो उस बारे में कि ना जानते हो कैसा है। वेल, आज भी कॉमिक बुक्स फॉर द पास्ट 40-50 ईयर्स मार्केट में आ रही है, और ना केवल आ रही हैं, इसके इलस्ट्रेटर आर्टिस्ट की इनके पास ज़रूरत पड़ती है, फोटोशॉप आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और कलरिंग। सो अभी ये जानना जरूरी है इवन फॉर एडमिशन स्टूडेंट्स की यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज इसमें भी है, ये भी एक फील्ड है कॉमिक बुक्स की, कि तुम्हारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज है। एंड इट्स नॉट जस्ट ऑलवेज भगवान, इट्स आई मीन अलग अलग टॉपिक्स पे कॉमिक बुक्स आ रहे हैं। आई मीन यू विल फाइंड गौतम बुद्ध, यू विल फाइंड जीसस, यू विल फाइंड गुरु नानक, ऑल द स्टोरीज इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी स्टोरीज, बायोग्राफीज, एवरीथिंग। सो फाइनली द वेरी फर्स्ट कलेक्शन ऑफ अमर चित्र कथा हैज बीन सबमिटेड to the library of ITM Dehradun. शुक्रिया अदा करता हूँ मैं हमारे चेयरमैन सर का, कि जिन्होंने इस अमेजिंग आइडिया को, इस प्रपोजल को उन्होंने एक्सेप्ट किया, और इस प्रपोजल को भी कि आने वाले समय में ये सिर्फ अमर चित्र कथा तक ही सीमित नहीं है, अलॉन्ग विद टाइम हम इन कॉमिक बुक्स को पढ़ाते चले जाएंगे, हम अलग अलग जॉनर्स को लाएंगे, अलग अलग पब्लिकेशंस को लाएंगे। पूरी कोशिश होगी कि समय के साथ में ना केवल कॉमिक बुक्स बल्कि इनको बनाने वाली क्रिएटिव टीम भी ITM Dehradun आ सके, वर्कशॉप्स ले सके। सो दिस इज अ वेरी क्लियर इनविटेशन टू ऑल द आर्टिस्ट्स, ऑल द राइटर्स एंड ऑल द पब्लिशर्स। द ड्राइंग हाउस इज इन ITM, द ड्राइंग हाउस इज कॉलिंग यू। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो विद अदर्स। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।